चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर स्थित हिमाचल प्रवेश द्वार के उसी खराब पॉइंट गारामोड़ा के पास आज फिर एक बलकर पलट गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व इस स्थान पर ईंटों से लदा एक ट्रक इस गड्ढे का खामियाजा भुगत चुका है और आज फिर एक बलकर को भुगतना पड़ा। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से मिट्टी से लदा या बलकर जब इस खराब पॉइंट पर आकर पहुंचा तो बलकर गड्ढों से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ तथा चालक को केवल चोटें पहुंची हैं। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले इस स्थान से एक ट्रक बड़े बड़े गड्ढों की वजह से खाई में गिर गया था जिसमें चालक की जान चली गई थी। इस संबंध में वाहन चालकों का कहना है कि इतने हादसे होने के बावजूद भी NHI सहित निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक फोर लाइन कार्य में जुटी कंपनी द्वारा इस खराब स्पॉट की दुर्दशा को दुरुस्त नहीं किया गया जा रहा है और बड़े हादसे का नियोत्ते का इंतजार कर रही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द ही इस स्थान को ठीक किया जाए ताकि हादसे होने से रुक सके। सरकार से निवेदन है, हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार से, नेशनल हाईवे 205 नंबर रोड कीरतपुर से बिलासपुर जाता है, ये जो हादसा हुआ है हर हफ्ते कोई ना कोई हादसा हो जाता है क्योंकि इस पे ना तो सरकार ध्यान देती है ना तो रोड वाले ठेकेदार ध्यान देते हैं। इनको कोई बात नहीं, अपने काम करके पूरा चले जाना, कितनी मौतें हो गई है। हम ये सरकार से, हिमाचल सरकार से निवेदन करते हैं, जो ये ग्रामोड़ा के पास कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं तो उसको प्लीज़ किसी की माँ का बेटा, किसी बहन का भाई बच सके। पिछले कुछ महीने पहले भी एक कीर्तपुर साहब बरुवाल का लड़का था, वो एक इस हादसे में जान गवा बैठा। ये नलायकी है ठेकेदारों की जो नेशनल हाईवे का रोड काम लिया है, तो इसके सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जो ठेकेदार इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, यही हमारी दरख्वास्त है। हम भी ड्राइवर भाई हैं, हम भी दिन रात रोड पर चलते हैं, तो हमारी सभी से निवेदन है सरकार से, खास करके हिमाचल सरकार से, तो प्लीज़ इसको पर ध्यान दिया जाए। और खास करके गारामोड़ा के पास कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है सर।